तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बनाएंगे हट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं झोपड़ी। तो मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हट बनाने के लिए पहले तो आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम 3 सेंटीमीटर की एक टेढ़ी लाइन खींच लेते हैं। ये मैंने 3 सेंटीमीटर की एक टेढ़ी लाइन खींच ली। अब इधर भी एक टेढ़ी लाइन हम खींचेंगे 3 सेंटीमीटर की। अब हम एक सीधी लाइन 12 सेंटीमीटर तो खींचेंगे। ठीक है, अब हम इधर से एक टेढ़ी लाइन 3 सेंटीमीटर तक खींचेंगे। ये हमारी थोड़ी गलत हो गई, थोड़ी और टेढ़ी खींचनी है आप लोगों को। ये हमने खींच ली। अब आप लोगों को एक सीधी लाइन 8 सेंटीमीटर तक खींचनी है। और ये हमारी 8 सेंटीमीटर तक लाइन खींच गई है। यहाँ पे भी हम ये 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे और इस दूसरी वाली लाइन हम 8 सेंटीमीटर तक खींचेंगे। और ये वाली भी लाइन हम 8 सेंटीमीटर तक खींचेंगे। तो हमारी हट बनने लगी है, जो कि थोड़ा थोड़ा हट जैसी लग रही है। अब हम इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे। इन तीनों लाइनों को मिला के एक लाइन नीचे खींचेंगे। अब हम ऊपर भी एक लाइन तीनों को मिला के खींचेंगे सीधी लाइन। अब हम इसका डोर लगाएंगे। तो डोर हम 5 सेंटीमीटर का ही लंबाई का लगाएंगे और 1 सेंटीमीटर इसके ऊपर का रहेगा। डोर खुला रखने के लिए आपको इसमें से बीच से एक लाइन और खींचनी पड़ेगी, तब लगेगा कि डोर झोपड़ी का डोर खुला हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे ये हमने डोर खोल दिया। अब हम लोग यहाँ पे सर्कल कर देंगे। देखिए, ये नहीं बनाते हैं, सिर्फ डायरेक्ट सर्कल कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग की झोपड़ी में विंडो लगाते हैं। तो विंडो हम 5 सेंटीमीटर की ही लगाएंगे।
और नीचे का नीचे की लाइन हम 3 सेंटीमीटर ही रखेंगे। देखिए अब हम इसके बीच से एक लाइन खींचेंगे और ऐसे एक लाइन खींचेंगे। ये हमारी विंडो बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें शेड करेंगे। तो शेड करने के लिए आपको शेड वाली पेंसिल से ही शेड देना पड़ेगा, क्योंकि शेड वाली पेंसिल से बहुत अच्छा शेड आता है। तो चलिए शेड ऐसे ही पहले ऐसे ऐसे दीजिए, उसके बाद उंगली से। जहाँ जहाँ पे डार्क हो जाए वहाँ पे इरेज कर दीजिए हल्का सा, और थोड़ा सा पेंसिल से ओके वहाँ पे और से कर दीजिए। देखिए हम लोगों का शेड कितना बढ़िया हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ही बाहर शेड निकला हुआ है, इसको हम इरेज कर देंगे। हमने ये इरेज कर दिया, ठीक है। हम लोग नीचे भी इरेज कर देंगे, जिससे कि हमारी झोपड़ी खूबसूरत लगे। अब हम लोग यहाँ पे भी शेड दे देंगे थोड़ा सा। तो ये हमारा शेड कंप्लीट हो गया है। थोड़ा थोड़ा हम लोग विंडो पे भी दे देंगे शेड। जो शेड बाहर निकला हुआ है उसे हम इरेज कर देंगे। तो अब हम इसको कर देंगे डार्क, तो ये और खूबसूरत लगेगी।
देखिए हम लोगों की झोपड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये हम लोगों की कंप्लीट हो गई। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।